आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से जी। नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, मैं बोकारो झारखंड से बोल रहा हूँ। मेरी वाइफ को थायराइड भी है, बाल भी झड़ता है और पार्किंसन भी है और गोंदसिया ऑलरेडी खा रही है दर्द के लिए। ठीक है। अच्छा, कितने दिन से ले रही हैं? गोंदसिया भी 10 दिन से ले रहे हैं डॉक्टर साहब। कैसी तबीयत है, कुछ फायदा शुरू हुआ? बहुत फायदा हुआ उससे, 1 साल से तकलीफ पा रही थी, बहुत फायदा है। उसको थायराइड भी है, बाल भी झड़ता है, पार्किंसन भी है। इसके बाद मेरा भी बताऊंगा सर, सुन लीजिएगा। इसके बाद मैं डायबिटीज का पेशेंट हूँ, 20 साल से रेगुलर एलोपैथिक दवाई में है, कंट्रोल में है मोटा मोटी, लेकिन इधर में HbA1c जरा 8.2 चला गया है। ऐसे मॉर्निंग वॉक भी करता हूँ आपके वहाँ से। ऐसे हमने सिरका मंगाया है जैतून का भी, तो मेरे लिए मेरी वाइफ का भी बता दीजिए सर। अच्छा, जैतून का सिरका आपने सही लिया है, डायबिटीज कंट्रोल करेगा, लीवर को मजबूर करेगा कि वो अच्छा सा काम करे, खूब खून बढ़ाए, और इसके रिजल्ट बहुत जल्दी आएंगे। जैसे आपकी वाइफ को 10 दिन में ही काफ़ी फ़ायदा हो गया, और ये जो 100-200 ग्राम आपने ख़रीदा होगा गोंदसिया, ये ख़त्म होते होते आपकी वाइफ दर्द से तो निजात पा सकती हैं। अब रहा उनका ये कि थायराइड की वजह से बाल उनके झड़ते हैं, तो थायराइड को ठीक कर लीजिए। वो गोली ज़रूर खाइए जो खाते हैं डॉक्टर की, और ये बहुत जल्द छूट जाएगी, 5-6 महीने में छूट जानी चाहिए। आपके डॉक्टर के मशवरे से ही छूटेगी, धीरे धीरे कम करेगा वो। मैं नुस्खा बोलता हूँ, आप लिखिए। देखिए, 300 ग्राम धनिया और 100 ग्राम आंवला, ये सब सूखा मिलता है, और 100 ग्राम आपको लेना है मेथी का दाना, और 100 ग्राम आप ले लीजिए गौंद मोरिंगा का गौंद। जैसे गोंदसिया आपने हासिल किया, वैसे ही गौंद मोरिंगा, इसका पाउडर बना के 1 चम्मच यानी 3-4 ग्राम सुबह उस गोली के साथ या उस गोली के बाद या उस गोली से पहले जो आप थायराइड की खाते हैं, और इसी तरह शाम को भी दीजिए। ये मटेरियल ख़त्म होते होते हो सकता है आपकी पत्नी पूरी तरह ठीक हो जाए। तो दर्शकों, देखिए, जब आप कॉल लगाते हैं तो थोड़ा रेंज में आके बात कीजिए, क्योंकि समय यहाँ पे बहुत कीमती है, क्योंकि अपना कीमती वक्त निकाल के ही हकीम साहब आप सभी के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं, आप सभी के लिए। टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए, रेंज में आके बात कीजिए और सुनिए ठीक से वो नुस्खे जो हकीम साहब सीधा आप लोगों को यहाँ पे बताते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हाँ, मैं जयपुर से बोल रही हूँ। जी जी, नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम है निलेश है, बोलिए। और मैं 50, मेरी उम्र 50 वर्ष है, और मेरे को पेशाब की प्रॉब्लम है, मेरे को बार बार पेशाब आता है, और कई बार छींक के साथ और हंसने के साथ भी पेशाब निकल जाता है, और वो रुकता नहीं है, रोक नहीं सकती मैं। ठीक है। डायबिटीज वगैरह तो नहीं है आपको? सालों से डायबिटीज नहीं है, ये चेक करा ली मैंने, 7-8 सालों से मेरी ये प्रॉब्लम है। ठीक है, इसका कोई आप घरेलू नुस्खा या कुछ ऐसा बता सकते हो तो? जी जी, जरूर बताऊंगा, आप लिख लीजिए। देखिए, चार दवाइयां हैं, चार आप लिख लें, लिखेंगे और उसी क्वांटिटी में बनाएंगे तो फायदा मुमकिन है। देखिए, ये जो पनवाड़ी के पास कत्था होता है, ये कत्था लेना है 100 ग्राम, 100 ग्राम कत्था, और 100 ग्राम आता है गौंद मोरिंगा 100 ग्राम, असली वाला लेना, कत्था भी अच्छा और गौंद मोरिंगा भी 100 ग्राम, और 100 ग्राम लाजवंती एक दवा का नाम है, जो हम जिसके पत्ते को छूते हैं वो पत्ता एकदम मुरझा जाता है, उसके बीज को लाजवंती कहते हैं, लाजवंती 100 ग्राम, और रसवंती 100 ग्राम। इन सबको आप 100-100 ग्राम लेके पाउडर बना लें, और चने या मटर की बराबर गोलियां बना लें, या इतना पाउडर इसका आप दिन में 2 बार खा सकते हैं पानी के साथ। आप ये मटेरियल अगर ख़त्म कर लेंगे तो इसके ख़त्म होते होते आपकी परेशानी ठीक होना मुमकिन है।
जी। नेक्स्ट कॉलर है हृदय कोटा से हमारे साथ, स्वागत है आपका। जी नमस्कार, बताइए। जी आदाब। सर मेरी बेटी है 15 साल की, उसको सोराइसिस की प्रॉब्लम हो रही है जी। तो हाँ बिल्कुल, सर एलोपैथिक ट्रीटमेंट 4-6 साल से किया, लेकिन इसका आराम नहीं हो रहा। ठीक है जी। तो देखिए सोराइसिस का एक बहुत अच्छा नुस्खा भी है और यूनानी में इसका इलाज है, लेकिन सब्र चाहिए, 2-4 महीने तो आपको सब्र करना चाहिए। 1 महीने में अच्छा रिजल्ट आता है, और उसमें क्या करना है आपको कि देखिए अलसी धनिया सौंफ, अलसी धनिया सौंफ, बड़ी इलायची, बड़ी जो काली वाली इलायची होती है, एक तो छोटी होती है जिसे हरी इलायची कहते हैं, बड़ी इलायची 100-100 ग्राम ये सब लीजिए, अलसी धनिया सौंफ बड़ी इलायची। और आपको लेना है कलौंजी का नमक, नमक कलौंजी भी कहते हैं, एस्टेक कलौंजी भी कहते हैं, कलौंजी का एस्टेक हम लोग आसान जबान में नमक कलौंजी कहते हैं, और इसको जौहरे कलौंजी हम अपनी ज़बान में कहते हैं, ज़रा मुश्किल से मिलेगा। इन सब का पाउडर बनाए घर में, और 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम ये पाउडर बच्ची को देना शुरू करें, आपको बहुत खुशी होगी कि हर महीने उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने लगा। और ये मटेरियल जो मैंने आपको 400-500 ग्राम बताया, ये ख़त्म होते होते आपकी बच्ची का ठीक होना मुमकिन है। लेकिन एक हिदायत भी है कि जहाँ पर सोराइसिस है वहाँ पर अक्सर वो होती है, सोजिश होती है, जलन होती है, खुजाता है आदमी, तो नाखून से नाक खुजाएं, हाथ से सहला लें, ऐसे करके सहला लिया करें, और उस पर तेल लगाते रहें। तेल लगाएंगे तो उसके खुरंट अपने आप छूटेंगे, आपको नोच के नहीं उसको छुटाने हैं, तो और नए निकलने बंद हो जाएंगे, पुराने ठीक होने शुरू हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है बच्ची का ठीक होना मुमकिन है। चलिए नेक्स्ट कॉलर हैं कलावती अहमदाबाद से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो। हाँ जी मैम बताइए। अरे मेरे ना अभी, मैं अहमदाबाद से बोल रही हूँ, मेरे ना राइट साइड का पूरा हाथ में बहुत दर्द रहता है, सिर तक और घुटने तक रहता है, और मेरे को ना डायबिटीज का फास्टिंग थोड़ा ज्यादा आ रहा है, बाकी दूसरा वाला सही है। ठीक है। हेलो। ठीक है मैं समझ गया, आज एज बता दें तो अच्छा होगा। ये फास्टिंग के शुगर कम करने के लिए क्या नुस्खा है, और मेरे ये हाथ में बहुत दर्द रहता है, पूरा कुछ भी काम करते हैं ना तो बहुत। ठीक है ठीक है। अच्छा फास्टिंग ठीक करने के लिए रात में थोड़ा कम खाना खाया करें, और अगर आप खरीद सकते हैं तो जैतून का सिरका 2-3 चम्मच रात को पानी में मिलाकर पिया करें, जैतून का सिरका, तो इससे आपकी फास्टिंग ठीक होना मुमकिन है। रोज़ाना पी लिया करें एक वक्त रात को सोते वक्त। इससे भी अहम मसला है आपके दर्द का, हाथ का और पैर का, ये कभी कभी बहुत तकलीफ़ देता है, तो उस हाथ का थोड़ा इस्तेमाल कम करें, एक्सरसाइज बता रहा हूँ वो करें, और गौंद सिया ले लें, गौंद सिया 0.5-0.5 ग्राम सुबह शाम खाएं, तो आपका ये ठीक होना मुमकिन है। एक्सरसाइज के तौर पर देखिए ये एक्सरसाइज आपको रोज़ाना 2-4 मिनट करनी है, ऐसे 1-1 मिनट करके 4 बार में करें, और एक ये पूरी तरह इसको मोड़ दीजिए, ये आपको 2-4 मिनट करनी है, 10 दिन बाद आपके रिजल्ट आएंगे इसके, और आपको फ़ायदा होने लगेगा। गौंद सिया 0.5-0.5 ग्राम सुबह शाम ज़रूर लें जी। नेक्स्ट कॉलर हैं राजन लखनऊ से हमारे साथ, स्वागत है राजन आपका। राजन कुमार दुबे। हाँ जी राजन कुमार दुबे। हाँ जी सवाल कीजिए अपना। जी दुबे साहब, ये मेरे पेट में दर्द होता है, MRI करवाया था, समझ तो वो MRI करवाया था, उसकी नर्व टेढ़ी हो गई है ऐसा बताया डॉक्टरों ने। ठीक है,
अच्छा देखिए, नर्व टेढ़ी नहीं होती बल्कि नर्व दब जाती है, डिस्क में कहीं प्रॉब्लम होती है जिससे हमारे कमर में दर्द होता है, और इसके लिए आप गोंद सियाल लीजिए, और काला गोंद एक आता है, कड़वा होता है जायके में, नकली बहुत मिलता है, संभल के लेना, और आधा ग्राम सुबह शाम खाइए, और बहुत जल्द आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। तो देखिए, बहुत जल्दी आपको फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन आपको ये घरेलू नुस्खे आज से ही अपनाने शुरू करने होंगे। कोई भी रॉ मटेरियल अगर आपको नहीं मिल पाता है, क्योंकि असली नकली में आपको पहचान करनी ही होगी, तभी आप लोगों को राहत मिल पाएगी। अगर आप हमारी कंपनी से मंगवाना चाहते हैं, सीधे आप हकीम साहब की कंपनी से भी रॉ मटेरियल मंगवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा, क्योंकि असली ही आप तक पहुँचाया जाता है, और वो आप फिर घर में खुद ही पीसिए, पिसी पिसाए कोई भी चीज़ लानी है। ये बहुत ही आप लोगों को अहम बात यहाँ पे बताते हैं हकीम साहब, तो हर एक बात का ख्याल रखिएगा और परहेज जरूर कीजिएगा। बाकी अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, निसंकोच आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, फोन उठाना है, नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। अगर बात करें अतिया हर्ब्स की, तो अतिया हर्ब्स 500 से भी ज्यादा इसकी फ्रेंचाइजी है दर्शकों देश भर में, और ये एक ब्रांडेड कंपनी है जिसके प्रमोटर फाउंडर रिसर्चर हैं हकीम सुलेमान खान साहब जी। तो जुड़िए इस कार्यक्रम से, फोन उठाना है, बस इन नंबर्स पे कॉल करना है। इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो हेलो, नाम बताइए, कहाँ से बात? मेरा नाम सीमा है, हम पटना से बात कर रहे हैं। जी बताइए। तो मेरा दो सवाल है कि मेरा शरीर का दो मतलब रंग एक नहीं है, और दूसरा सवाल ये है कि मेरी मम्मी है, उनका पैर में बहुत पानी लग जाता है, मतलब पानी की बहुत दिक्कत है, तो दिन में पानी भरना रहता है, तो पानी पूरा पैर खराब हो गया है, और वाइट खुजली बहुत होती है, खुजले खरा गड्ढा हो जाता है पूरा, खुजली कर करके, और सफेद सफेद दाग हो जाता है। देखिए, आपने पहले भी शायद फ़ोन किया है, और कोई कॉल मेरे पास ऐसी नहीं आई जिसके इस शरीर के दो रंग हों। तो आपको मैंने नुस्खा बताया भी था, और आपको फिर बता देता हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप लिख लें, और ऐसे बार बार फ़ोन करेंगे और लिखेंगे नहीं तो मेरा और आपका वक्त ज़ाया होगा। अपने लिए आप एक नुस्खा बना लें, अलसी लीजिए 100 ग्राम, और धनिया 100 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम, और सौंठ 100 ग्राम, और 100 ग्राम कलौंजी का नमक कलौंजी कहते हैं, या एस्टेक कलौंजी भी कह सकते हैं, इनको मिला लीजिए आपस में, और एक एक ग्राम या डेढ़ डेढ़ ग्राम सुबह शाम खाया करें तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। आपकी मम्मी को अगर कुछ ऐसा हो गया है जो किसी सूरत ठीक नहीं होता, तो मैं उनको नुस्खा बता सकता हूँ। अगर आपके फैमिली डॉक्टर इसका इलाज कर सकते हैं, बहुत आसान है, तो वो कर लें, और मैं उनके रोग से पूरी तरह वाकिफ नहीं हो सका। चलिए, तो आप एक बार हमारी हेल्पलाइन नंबर पे बात कर लीजिएगा, ज़रूर आपको उचित समाधान प्राप्त हो जाएगा। हकीम साहब, जब बात हमने अभी कॉलर से जुड़ने से पहले की थी कैंसर और किडनी को लेके, क्या ये एक ऐसी बीमारी भी हो सकती है कि हम पहले से ही कोई देसी नुस्खे अपना लें और हमें बहुत बड़ा कोई इलाज ना कराना पड़े, किडनी डायलिसिस वाली अगर प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर हमें कोई भी हार्ट संबंधी प्रॉब्लम आ जाती है? इतनी बड़ी बड़ी परेशानी है कि व्यक्ति जब सुनता है तो घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। देखिए, ऊपर वाले ने कोई भी बीमारी ऐसी नहीं बनाई जिसका इलाज उससे पहले दुनिया में ना भेज दिया हो। बिल्कुल, भगवान ने ऐसी कोई बीमारी नहीं बनाई जिसका इलाज उससे पहले ना भेज दिया गया हो जी। लेकिन अगर किसी चीज़ का इलाज नहीं हो पाता तो उसके दोषी हम हैं, क्योंकि हमें मर्ज के बीमारी के शुरू में इलाज कराना चाहिए। कोई भी बीमारी पहले दूसरे स्टेज पर बहुत आसानी से काबू आती है, लेकिन जब कोई चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाए, मुर्दा हो जाए, तो उसके बाद उसका इलाज नामुमकिन हो जाता है, चाहे वो कोई भी मर्ज हो। तो किडनी अगर आपको इम्प्रेस करती है, तो किडनी के लिए आपको
अच्छी दवाएं हैं, जैसे ही आपको परेशानी शुरू हो आप उसका बेहतर इलाज ले, चाहे कोई भी बीमारी हो दुनिया की, वो पहले दूसरे दर्जे में जब होती है तो कंट्रोल करना आसान होता है, वरना तो टीबी का भी इलाज नहीं हो पाता अगर वो हाथ से निकल जाए, पहले दूसरे दर्जे पर बहुत आसान होता है। तो उसका इलाज आप जल्दी अपने पर तवज्जो दिया करिए, कोई भी चीज़ बिगड़ने के बाद संभलना बड़ा मुश्किल होता है। तो समझिए इस बात को दर्शकों कि ईश्वर ने आपको इतना खूबसूरत जो शरीर दिया है इसका ख्याल आपको ही रखना होगा। अगर आपको कोई भी रोग लगता है कि हमारे शरीर में कोई तकलीफ हो रही है तो आप पहले समझ जाइए कि आयुर्वेद उपचार कराइए, यूनानी पद्धति से जुड़िए, प्राकृतिक चीज़ों से जुड़िए, और जो नुस्खे आप लोगों को यहाँ पर हकीम साहब बताते हैं वो वक्त रहते अपना लीजिए, फिर वो जो फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप जो आता है वो आप तक आएगा ही नहीं, आपको कोई भी रोग छू तक नहीं पाएगा, क्योंकि रहते आप एक सही उपचार अपना लेंगे। तो अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, घरेलू उपचार जानना चाहते हैं, यूनानी पद्धति से जुड़ना चाहते हैं, तो बस आप लोगों को करना क्या है, इन नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके सामने लगातार दिखाए जा रहे हैं।